हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आपके साथ फिर से मैं हूं कौशिक और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कास्ट एडवाइजर यूट्यूब चैनल की और एक नए वीडियो पर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कोई कार के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं एक काफ़ी बेहतरीन और फ्यूचरिस्टिक स्कूटर के बारे में। जी हाँ गाइस, 2022 के अंदर लॉन्च होने वाली है एक काफ़ी बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिस स्कूटर का नाम है CE04। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को BMW कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए गाइस, जान लेते हैं कि स्कूटर को किस कीमत के अंदर लॉन्च किया जाएगा, क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे, कितनी पावर जनरेट करेगी और सबसे खास बात, इस स्कूटर को इंडिया में कब लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में मैं इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कास्ट एडवाइजर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं बिना आपका समय गवाए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइस, BMW CE04 के बारे में सबसे पहले 2017 में BMW कंपनी की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील किया गया था, लेकिन उसके बाद कहीं कुछ जानकारी स्कूटर के बारे में नहीं मिली थी। लेकिन अब कुछ दिन पहले ही BMW CE04 को कब लॉन्च किया जाएगा ये पूरी तरीके से रिवील कर दिया गया है। तो गाइज, अब बात करते हैं BMW CE04 की पावर के बारे में। तो BMW CE04 में 147.6 वोल्ट की लिथियम बैटरी मिल जाएगी और इस बैटरी को चार्ज करने में समय लगेगी तकरीबन 4 घंटे 20 मिनट 2.3 किलोवाट चार्जिंग केबल के साथ। तो गाइज, मुझे पता है कि आप लोग इससे काफ़ी सोच में पड़ गए हैं कि 4 घंटे 20 मिनट एक स्कूटर को चार्ज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय है, वो भी खास करके BMW कंपनी की स्कूटर को। तो डोंट वरी गाइज, इसके लिए भी BMW कंपनी की तरफ से एक ऑप्शन अवेलेबल कराया जाएगा जो कि है 6.9 किलोवाट की फास्ट चार्जिंग केबल। इससे CE04 सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी और इसके बाद इस बैटरी से 42 BHP का पावर और 60 Nm का टॉर्क जेनरेट होगी। और गाइज, ये 147.6 वोल्ट की लिथियम बैटरी एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद तकरीबन 128 से 130 किलोमीटर की रेंज तय कर पाएगी। और गाइज, CE04 की अगर स्पीड की बात करूँ तो 0 to 50 km/h ये सिर्फ 2.6 सेकेंड के अंदर कवर कर लेगी और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 120 km/h। तो गाइज, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के हिसाब से CE04 की टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छी है और शॉर्ट पिकअप की बात करूँ तो शॉर्ट पिकअप भी काफ़ी बेहतरीन है। तो अब गाइज, मैं अगर BMW CE04 की फीचर्स की बात करूँ तो इस स्कूटर में काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले 10.25 इंच की TFT कलर डिस्प्ले स्क्रीन मिल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कि आप गाड़ियों में देखते हैं 10.25 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ठीक वैसे ही इसमें भी 10.25 इंच की TFT कलर डिस्प्ले स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसमें नेविगेशन सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्पीडोमीटर, हाई स्पीड अलर्ट, राइडिंग मोड्स के सिग्नल्स इस 10.25 इंच की स्क्रीन पर शो होगा। और इसके अलावा इस स्कूटर में USB-C चार्जिंग पोर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और सेफ्टी के मामले में सबसे पहले तो स्कूटर में मिल जाएगी 3 मोड्स, इको, रेन और रोड। और इन राइडिंग मोड्स की वजह से CE04 की टायर की ग्रिप रोड पर बनी रहेगी, जिससे टायर की स्किट होने के चांसेस कम हो जाएंगे और उसके साथ साथ एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम हो जाएगी। और इसके अलावा इस स्कूटर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, रियर व्हील पर 1 डिस्क ब्रेक और फ्रंट व्हील पर 2 डिस्क ब्रेक के ऑप्शन भी CE04 के साथ देखने को मिल जाएगी। तो सेफ्टी के मामले में BMW की CE04 स्कूटर में काफ़ी ध्यान रखा गया है। और गाइज, BMW CE04 को 2 कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें से एक वाइट कलर के साथ साथ मैट ब्लैक कलर की कॉम्बाइन में भी देखने को मिल जाएगी और दूसरी मैगलेन ग्रे मेटलिक कलर के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगी। और अब गाइज, BMW CE04 के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि है, BMW CE04 को किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा और इंडिया में इस स्कूटर को कब तक लॉन्च किया जा सकता है। तो गाइज, BMW CE04 की जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो है $11,800, जो कि इंडियन रुपए के हिसाब से 8,77,272 रुपये है। तो गाइज, आज की वैल्यूएशन के हिसाब से BMW CE04 की कीमत इंडियन रुपये में यही होती है, लेकिन इस CE04 को 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा तो तब के वैल्यूएशन के हिसाब से इंडियन रुपी में
इसकी कीमत चेंज भी हो सकती है। और BMW CE04 को सबसे पहले US और यूरोपियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इस स्कूटर को दूसरी कंट्रीज और इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप लोग इस हाईली एडवांस्ड स्कूटर के लिए $11,800 पे करना चाहेंगे। और गाइज, अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कार्स एडवाइजर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी तरह की गाड़ियों की रिव्यूज़, कंपेरिजन और न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर।